हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा की आने वाली बाइक होंडा CB 300R के बारे में। तो इस बाइक से रिलेटेड हम सारे डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होंडा CB 300R को 2019 में लॉन्च किया गया था और पिछले साल अप्रैल 2020 से लागू हुए BS6 उत्सर्जन मानक की वजह से बंद किया गया था। होंडा CB 300R को अब जल्द ही BS6 अवतार में लाने वाली है। अप्रैल के लास्ट वीक में इस बाइक के 8 यूनिट को डीलरशिप के पास डिस्पैच किया गया है। शायद कोरोना की वजह से कंपनी अभी इसको ऑफिशियली लॉन्च नहीं कर रही है। कंपनी इस बाइक को बिग विंग प्रीमियम डीलरशिप के माध्यम से सेल करती है। होंडा प्रीमियम डीलरशिप के लिए हाल ही में 350 सीसी सेगमेंट में CB 350 और CB 350 RS को लेकर आई है। कंपनी के यह डीलरशिप सिर्फ सीमित संख्याओं में उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी के इन मॉडलों को काफ़ी शानदार रिस्पांस मिला। ऐसे में कंपनी इस मौके का और फायदा उठाना चाहती है, लेकिन इससे पहले होंडा के बिग विन डीलरशिप के माध्यम से CB 300R सबसे अधिक बिकने वाली मॉडल थी। अब कंपनी फिर से इसे वापस लाने की तैयारी में है। कंपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल की सेगमेंट का विस्तार नए बिग विन डीलरशिप के माध्यम से करना चाहती है। अब चूंकि CB 350 से अच्छी शुरुआत मिल चुकी है और अब CB 300R की मदद से इसे तेजी मिल सकती है। होंडा CB 300R को नियो स्पोर्ट कैफे डिजाइन दिया गया है। वहीं इसके स्टाइलिंग की बात करें तो CB 1000R और CB 650R जैसे रखी गई है। इसमें फुल LED लाइटिंग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उपलब्ध कराया गया है। होंडा CB 300R में 286 cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर DUSC इंजन लगाया गया है, जो 30.45 BHP की पावर और 27.5 Nm की टॉर्क देती है। इसमें 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स और फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम दिया गया है। वहीं अगर इसके ब्रेकिंग ड्यूटी को पूरा करने के लिए दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसमें आगे की ओर 296 mm और पीछे की तरफ 220 mm का डिस्क ब्रेक लगाया गया है। इसके साथ ही डुअल चैनल ABS भी दिया गया है, जो कि इसे और भी सुरक्षित बनाती है। सस्पेंशन के लिए फ्रंट में USD फोर्क एंड रियर में मोनोशॉक लगाया गया है। इस बाइक में काउंटर बैलेंस शाफ्ट दिया गया है, जो कि इंजन को और स्मूथ बनाता है। यह कंपनी की दूसरी नियो स्पोर्ट कैफे बाइक है। इसके BS4 वर्जन को 2,42,000 रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराया जाता था। नए अपडेट के साथ इसकी कीमत में वृद्धि की जा सकती है। इसका VS6 वेरिएंट का मॉडल का प्राइस 25,000 से 30,000 ज्यादा हो सकता है। इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद यह बाइक KTM की ड्यूक 250 और 390 एंड BMW की G310R जैसे मॉडल को टक्कर देने वाली है। अब देखना होगा कि इंजन के नए अपडेट के बाद इसकी कीमत में कितनी वृद्धि होती है। आने वाले दिनों में लॉन्च के बारे में कंपनी जानकारी दे सकती है। आप मानकर चलिए कि ये थोड़ा लॉकडाउन में ढील के बाद कंपनी इसको लॉन्च कर देगी। जून और जुलाई के बीच ये बाइक लॉन्च हो सकती है, जिससे अगस्त से लेकर आने वाले फेस्टिवल सीजन तक अच्छी सेल कर पाए। तो फिलहाल यही अपडेट है इस बाइक को लेकर। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि होंडा CB 300R आपको कैसी लगती है, या फिर आप होंडा के कौन से मॉडल को पसंद करते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड कंटेंट देखना आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कौन सा बाइक लॉन्च हो रहा है, कौन सा बाइक का क्या कुछ अपडेट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का ID है RideWithBikeRajat, आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का ID का लिंक दे दिया है। आप वहाँ से एक क्लिक से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए RideWithBike।